सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि नैक के सुझावों में भी इसे सबसे ऊपर रखा गया है। मैं रिपोर्ट के पेज 129 पर लिखे कमेंट की तरफ अपने सभी वाइस चांसलर साहबान और प्रिंसिपल साहबान और डायरेक्टर साहबान का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लिखा है उसमें फीडबैक इज कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई थ्रू ऑल, जिन लोगों ने साहित्य में जिनकी रुचि होगी, नागालैंड का नाम अपने से कुछ लोगों ने सुना होगा, जितना चाहे जी भर कर चोरी कर। अब जो चोर था वो चौंके और उसने कहा, क्या करते हो बाबा, चोरी जी भर करो? आप तो उल्टा बोल गए, अभी तक इतने संत महात्मा थे वो तो दूसरी बात बता रहे। बाबा नागार्जुन ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जी भर के चोरी कर, बस एक बात का ध्यान रखना कि चोरी करते हो होश संभाले। अब तिजोरी का ताला तोड़ना तो याद रखना कि किसी और का ताला है, और जब पैसे निकालना तो भी याद रखना ये मेरा नहीं दूसरे का पैसा है। दो दिन बाद की ओर वापस आया नागार्जुन के पास और उसने कहा कि बाबा तुमने तो मुझे फंसा दिया। यदि संगत बोध हम पैदा कर सके तो फिर किसी कसम की जरूरत नहीं होगी। मित्रों, बड़ी जिम्मेदारी से एक और बात कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी अब साधारण छात्र का निर्माण करने का जोखिम नहीं उठा सकती। अब हर छात्र में असाधारण गुण होने चाहिए और समय के साथ बदलाव की क्षमता भी विकसित करने की आवश्यकता है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हु कैन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड अडॉप्ट टू रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैव इमेंस पावर एंड ए स्मॉल शिफ्ट इन करिकुलम कैन हैव अ डिसाइसिव इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। मित्रों, ये प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि शिक्षक ही विकास की पूरी और स्टूडेंट्स उसकी परिधि। इंसान का विकास कभी भी मैकेनिकल नहीं हो सकता, उसके लिए एक अच्छे शिक्षक का होना नितांत अनिवार्य है, जरूरी है, और उसके अंदर की संभावनाओं के विकास को नया रास्ता दे, उसकी पर्सनैलिटी को इस तरह विकसित करे ताकि वो समय के साथ अपने आप को बदल सके, ढाल सके। पुराने जमाने में एक अवसर मिला था, मुझसे एक सवाल पूछा गया, क्या जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड वर्क कोर्स है? मैंने उन्हें बताया जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसे चार नेशनल इम्पोर्टेंस के संस्थान भी हैं, आप एम्स कहें, आईएम कहें, आईआईटी कहें, आईटी कहें, और पहले के जो हमारे शिक्षण संस्थान और इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा कि हम जो ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहे हैं वो समय की जरूरतों के हिसाब से, मुझे लगता है कि इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप सबको पता है कि न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के आने के बाद जो संभावनाएं बढ़ी, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा इस फोरम को कि आज की तारीख में 25,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव हमारे पास आ गए, जिसमें 12,000 करोड़ के आसपास कश्मीर डिविजन में और 12,000 कुछ करोड़ के जम्मू डिविजन। पहले जब ये पॉलिसी बनी तो हम सब लोग ऐसा सोचते थे कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन जिस तरह का उत्साह है इन्वेस्टमेंट, आज मैं आपके बीच ये जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि शायद ये 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहां आएगा। और हमारे पास आंकड़े वो हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में फीस जमा की है, डीपीआर जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की पॉलिसी उन्होंने स्वीकृत की है, उसके अंतर्गत जो लोग अपनी जमीन लैंड का इंतजाम कर रहे हैं उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है आने वाली इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने युवा पीढ़ी को, यूथ को इस तरह से हम ट्रेन करें कि अधिक से अधिक हमारे नौजवान ये जो इंडस्ट्री आने वाली है उसमें काम कर सके, जम्मू कश्मीर इकॉनॉमी को भी बढ़ा सके। और एक जो बड़ी चुनौती सबके सामने है बेरोजगारी की,
उससे भी निजात मिल सके. वी आर कंसिस्टेंटली रिफॉर्मिंग अवर एजुकेशनल सिस्टम विद न्यू टूल्स टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड स्किल सेट्स. ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्न प्रोसेस थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड इज बीइंग प्रमोटेड सो दैट our youth can contribute in making Jammu Kashmir Atmanirbhar. Our aim is to empower every student with technical and social skills to develop entrepreneurial thinking. We are making efforts to continuously improve the courses in universities and colleges to create conducive environment for innovation.